प्रेमी से जुदा होता है। और ये यशोदा से मिलके पूछो ओ क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से पूछो। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। एक बात कहूं, चले हैं बड़े भैया बलराम, सब ग्वाल बाल नंद बाबा पहुंचे हैं कंस के फूल बाग में। और जब कंस के फूल बाग में पहुंचे हैं, कन्हैया बोले भाई वो बाबा, जब मथुरा नगरिया बहुत सुंदर है, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो मथुरा नगरिया को देखे आए। नंद बाबा बोले हैं बलराम से, तुम कन्हैया के साथ में चले जाओ, मथुरा नगरिया को घुमाने के बाद में तुरंत लौट करके आओ। अच्छा ठीक, भक्तजनों चले हैं भगवान कन्हैया बड़े भैया बलराम देखते हुए जा रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं, बड़े सुंदर सुंदर अदात आ रही हैं। भगवान श्रोताओं, जिस रास्ते जा रहे थे भगवान ने क्या देखा, उसी रास्ते पर एक कंस का धोबी आ रहा है शराब के नशा में। भगवान बोले धोबी भैया कहाँ जा रहे हो। धोबी बोला दिखाई नहीं पड़ता है, कंस का धोबी हूं। भगवान बोले धोबी भैया कंस के मेहमान तो हम ही हैं। धोबी बोलो तो क्या करूं, उठा के सर पे बैठा लूं, हट दा। वो धोबी भगवान से बिल्कुल नहीं दबा। तो भगवान बोले हैं धोबी
भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल पर एक तमाचा दिया, धोबी बेहोश होकर के गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वो धोबी खत्म हो गया। इक्यावन रुपया सुनील कुमार जो राम केस के भांजे हैं, जो कटघरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। भक्तजनों इधर धोबी खत्म हो गया, वहां के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फट गए हैं। भगवान और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, कंस की दासी आ रही है, झुके झुके आ रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, एक हाथ में डंडा है। कैसी है वो दासी कंस की? कंस के तिलक करने के लिए तो भगवान बोले कंस के मेहमान हम नहीं हैं, क्या हमारे तिलक नहीं लगाओगी? कुबेजा बोली प्रभु अगर तुम तिलक लगवा लो तो जिंदगी सफल हो जाए। कुबेजा भगवान के तिलक करने के लिए पहुंची, उचक उचक के रह जाती है लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाई। भगवान ने देखा है कुबेजा बहुत परेशान है, थोड़ी से हाथ लगा करके झटका दिया।